खेत में भी सूरज बस सूरत है, उसकी सूरत भी काली है और उसका दिल भी काला है। मैं कहता हूँ कोई भी मजहब आपस में नफरत करने का सबक नहीं सिखाता, कोई भी धर्म नफरत का दर्श नहीं देता। ये कैसा इंसान है जो अपने मजहब को बदनाम कर रहा है? आज अगर कोई मौलाना, आज अगर कोई आलिम, आज अगर कोई इमाम किसी मजहब के ताल्लुक से, किसी महापुरुष के ताल्लुक से, किसी बड़े इंसान के ताल्लुक से इस तरह के बयानात दे तो इस्लाम को बुरा कहेगा, इस्लाम के ताल्लुक से गलत बातें फैलाएगा। यही वजह है कि आज इंसाफ पसंद जो पंडित लोग हैं, इंसाफ पसंद हमारे हिंदू भाई हैं, इस जालिम को भी लानतान कर रहे हैं, इसको भी बुरा कह रहे हैं। मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करना चाहता हूँ कि चाहिए कि इसको सख्त से सख्त सजा दे, ऐसी सजा दे कि ये निशाने इबरत बन जाए, लोगों की एक जो है निशान बन जाए, और ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। मेरे दोस्तों, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करता है, जो भी इस्लाम को मिटाने के लिए आगे बढ़ता है, मेरे रसूल की शान को घटाने के लिए आगे आता है, उसकी शान घट जाती है, वो खुद मिट जाता है। क्या आपने देखा नहीं, इस्लाम को मिटाने के लिए अबू जहल भी आया था, इस्लाम को मिटाने के लिए उतबा भी आया था, इस्लाम को मिटाने के लिए शैबा भी आया था, इस्लाम को मिटाने के लिए सनादिद कुरैश भी आया था, मगर अबू जहल मिट गया, उतबा मिट गया, शैबा मिट गया, लेकिन इस्लाम कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। मेरे दोस्तों, इसलिए किसी ने कहा है, ऐ वक्त जरा ठहर, मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं हुकूमत हिंद से तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से, खसूसन भंडारा के मुसलमानों की तरफ से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि इस जालिम को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, और मरकजी हुकूमत से भी और सूबाई हुकूमत से भी हमारा पुरजोर मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द ऐसे काली कोठरी में डाल दिया जाए, ताकि इसकी आइंदा नस्लें भी याद करें कि हमको ऐसी हरकतें नहीं।